जय 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 भाई, बहुत बहुत मंगल। पहले पहले ही हाँ पहले दर्शन जूते चप्पल से मैं उतार रहा हूँ, साली रामे देख रहे हैं जी। प्लीज गंडकी नदी के, गंडकी के हर आई आदि जय जय प्रशांत भैया, जय हो जय हो मंगलम। नाना सुगंध पुष्पाणी ओम पवित्र पवित्रवा कृपावतान गतवा यश्रे थुंडी गाक्ष सवाया व्यंधरा सुचि। आइए हम लोग, ये हमारे चेयरमैन है गुड्डे। हाँ ीनावामहे वसो मम आहमजा गर्भदम तमजासी गर्भदम। पहले तो मैं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। गुरु जी अयोध्या से चल के यहाँ पे आए, पिछले साल भी आए थे, और सबसे बड़ी बात है ये जो हम लोग 3 साल से इको फ्रेंडली गणपति कर रहे हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा गणपति है। पिछली बार भी हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और इसमें सबसे बड़ी चीज है ये पेपर से हमने बनाया है। और इसको बनाने में देखिए जिन लोगों की मेहनत है, जिन लोगों ने योगदान दिया, सबसे बड़ी बात पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट है। हम लोग बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार बोलते हैं कि हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, तो वो किस तरह से रखें। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से और आने वाले समय से जो लोग मुझे सुनेंगे या मैं देखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब अपने घर में इको फ्रेंडली गणपति लेके आए, और पूरे पंडाल वर्ल्ड के जितने पंडाल है उनसे मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि वो इको फ्रेंडली गणपति लेके आए। अभी देखिए हमने यहाँ पे इनको बनाया है, यहीं पे हम इनका विसर्जन करेंगे। और वर्ल्ड के सबसे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वर्ल्ड के सबसे टॉयलेट इको फ्रेंडली गणपति हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग, आप जितने भी मीडिया के लोगों के पास ये जानने वाली है या जो लोग सुनेंगे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सब लोग अपने घर में गणपति को विराजमान करते हैं, पर वो अपने पर्यावरण का भी ध्यान रखें और इको फ्रेंडली गणपति को लेके आए। सबसे ज्यादा जरूरी मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, वो अयोध्या से श्री राम के जो दरबार से यहाँ आए हैं और उनको लेके आए हैं। सबसे बड़ी बात है आज मैं धन्य हो गया, पिछले साल भी मैं धन्य हो गया था और इस बार भी धन्य हो गया। प्रणाम। गणपति सर्वप्रथम है हम लोगों के जीवन में, भी प्रथम गणपति ही है। पूरे विश्व के सभी देवी देवताओं में अग्रगण्य पूजा जिनकी होती है वो श्री गणपति बापा मौर्या। गणेश जी की आज प्रथम चतुर्दशी के दिन स्थापना दिवस है। आज स्थापना दिवस के बाद सारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। धरा में जितनी भी प्रक्रिया हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी आराधना उपासना एकासना है, पूजा पाठ की जो पद्धति है वो श्री गणेश से ही शुरू होती है। नाम प्रभाव जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, नाम के प्रथम जापक श्री गणेश जी हैं। और गणेश जी के पिताजी भोले बाबा भी, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, महामंत्र जे जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। इसलिए गणेश जी सर्वप्रथम पूजन में अग्रगण्य हैं, इसलिए उसके पीछे राम नाम है। हम अयोध्या से आए हैं, श्री राम जी की भी मंत्रणा लेकर आए हैं, जो आज प्रदूषण और तमाम उसकी विकृतियां जो हैं उससे परे ये गणेश जी हैं, सबके मंगल मूर्ति हैं, सभी के लिए मंगलप्रद हैं, पर्यावरण के लिए भी मंगलप्रद हैं, जन जन के लिए, कण कण के लिए मंगलप्रद हैं।
रसिक उपासना की, रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना की आचार्य पीठ है, उस पीठ का मैं सेवक हूँ और वहाँ से संदेश लेकर श्री राम जी के दिल्ली से प्रदेश तक और देश से विदेश तक सभी जगह संदेश जाए इस आशय से और सभी का मंगल हो। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् का सम्यक प्रतिपादन केवल मंगल मूर्ति गणेश जी के दर्शन मात्र से होती है। ये स्थापना दिवस है, इसमें सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें और सभी गणेश जी के दर्शन करके अग्रगण्य पूजन के अधिकारी बने। इस आशय से सबको मंगल आशीर्वाद। जय सियाराम, जय सियाराम, जय। सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया, जैसे ये प्रथम पूजनीय है, हर चीज़ की शुरुआत इनसे होती है। तो हमारे जो गुरुजी आए थे उन्होंने भी बताया कि जैसे इनकी शुरुआत, इनकी आगमन के बाद से हर त्यौहार की शुरुआत हो जाती है, हर शुभ कार्य की शुरुआत हो जाती है। तो आज से ये सारे कार्य शुरू हो रहे हैं और वैसे आज जैनों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, जो संवत्सरी प्रतिक्रमण कर रहे हैं उनके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। तो ये आज का दिन वैसे हर चीज़ों का मिक्सचर होने के कारण, और हमारी भारतीय संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि जिसमें हर एक समाज के लिए कुछ ना कुछ त्यौहार है आज के लिए, तो आज के लिए बहुत ही शुभ शुभ दिन है और खुशी खुशी का दिन है। गणपति जी का आगमन हुआ है तो इनकी जो आगमन की तैयारी है, जो मैंने वो ढोल बजा करके की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका स्वागत किया हम लोगों ने। और हर, मैं चाहती हूँ कि हर किसी इंसान का, हर एक इंसान की, हर चीज़ की शुभ शुरुआत आज से हो जाए और अब से जो भी चीज़ें वो करने लगे या जो भी चीज़ें वो दिल से चाहे करने के लिए वो पूर्ण हो, तो इसी के लिए गणपति बप्पा मोरिया।